नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यास कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हरि सिंह राजपूत संजय राजपूत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भागवत कथा में सर्व विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मुकेश दुबे, धर्मेंद्र ओझा, श्याम दुबे, के एन मिश्रा, जितेंद्र शर्मा, दशरथ तिवारी, सतीश शुक्ला, पुलकित त्रिपाठी, अनिल मिश्रा, हिमांशु पाठक, श्रीमती ममता मिश्रा, अंजलि तिवारी, नेहा तिवारी, ज्योति पुरोहित, सभी ब्राह्मण समाज के सभी ने कथावाचक पंडित अनिल मिश्रा जी का साल श्रीफल से सम्मानित किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। कथावाचक पंडित अनिल मिश्रा जी ने कहा कि यह संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा और गलत कर्म किए हैं तो दुख मिलेगा। जीवन में तीन लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर, वकील और गुरु, क्योंकि डॉक्टर से झूठ बोला तो शरीर बिगड़ेगा, वकील से झूठ बोला तो केस बिगड़ेगा और गुरु से झूठ बोला तो जीवन बिगड़ जाएगा। सत्संग करना सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति है। ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, बल्कि ईश्वर को पाने की तड़प पैदा करना कठिन है। हमारा कल्याण हमें खुद करना चाहिए, कोई दूसरा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इसी के साथ सृष्टि की उत्पत्ति, देवभूति कर्दम संवाद, शिव सती संवाद, ध्रुव चरित तक की कथा सुनाई। कथा का आयोजन हरि सिंह राजपूत एवं उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। होशंगाबाद से मुकेश दुबे की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।